हेलो बच्चों, आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग बहुत आनंद करने वाले हैं। हर टॉपिक को अच्छी तरह से समझते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे और आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। और आज मैं आप लोगों के सामने एडवर्ब के बारे में बताने जा रहा हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब की क्या जरूरत होती है, क्या आवश्यकता होती है, एडवर्ब जो है ग्रामर में क्यों रखा गया है और किस तरह से उसको समझते हैं हम लोग, इसके बारे में जानकारी हम लोग पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके पहले मैं एडजेक्टिव, वर्ब और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है। जो वीडियो आप देखना चाहेंगे आप पुनः क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले हम लोग एडवर्ब के डिफिनेशन के लिए कि एडवर्ब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिफाइन एडवर्ब। एन एडवर्ब यूजली क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव, एन अदर एडवर्ब और ए प्रीपोजिशन। अर्थात एक एडवर्ब सामान्यतः एक वर्ब, एक एडजेक्टिव, अन्य एडवर्ब या एक प्रीपोजिशन की विशेषता बतलाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एडवर्ब इज ए डिराइव्ड पार्ट ऑफ ए लैटिन वर्ड एडवर्बम। यह लैटिन वर्ड एडवर्बम से डिराइव किया गया है। यह केवल एडजेक्टिव, एडवर्ब और एनदर एडवर्ब को ही क्वालिफाई नहीं करता है, जैसा कि एग्जाम्पल से हम स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट ही स्विम्स वेल, ही रैन क्विकली, सी स्पोक सॉफ्टली। देखिए इस एग्जाम्पल से, जैसे वेल जो है स्विम को क्वालिफाई कर रहा है और स्विम क्या है, वर्ब है। उसी प्रकार से क्विकली भी रैन को क्वालिफाई करता है और रैन क्या है, वर्ब है। और सॉफ्टली स्पोक को क्वालिफाई करता है, जबकि स्पोक क्या है, वर्ब है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि एडवर्ब किस किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट, वर्ब्स क्वालिफाइज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द स्पीच। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ब क्वालिफाइज द वर्ब। एडवर्ब जो है वर्ब को क्वालिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। फर्स्ट एग्जाम्पल नेहा सिंग्स वेल। यहां पर वेल क्या है, सिंग्स को क्वालिफाई करता है। और दूसरा एग्जाम्पल है मोहन स्पीक्स फ्लुएंटली। अब देखिए यहां फ्लुएंटली जो है स्पीक्स को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। अतः हम कह सकते हैं कि एडवर्ब जो है वर्ब को क्वालिफाई करता है। इन वाक्यों में सिंग क्रिया की विशेषता, वेल और स्पीक क्रिया की विशेषता फ्लुएंटली स्पष्ट रूप से बतलाता है। और इसके बाद हम लोग जानेंगे एडवर्ब क्वालिफाइज एडजेक्टिव। एडवर्ब क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट यू आर वेरी टॉल। एंड इन द सेकेंड एग्जाम्पल सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अब देखिए यहां एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, यानी वह अत्यंत सुंदर या खूबसूरत है। वह अत्यंत सुंदर या खूबसूरत है। अब देखिए एक्सट्रीमली जो है ब्यूटीफुल को क्वालिफाई करता है। और ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल जैसे यू आर वेरी टॉल। अब टॉल क्या है, टॉल जो है आपका एक एडजेक्टिव है, लेकिन वेरी क्या है, वेरी जो है एडवर्ब है जो कि टॉल एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। इसके बाद एन एडवर्ब क्वालिफाइज इटसेल्फ। एडवर्ब जो है अपने आप को भी क्वालिफाई करता है।
एडवर्ब क्या करता है, अपने आप को भी क्वालिफाई करता है, स्वयं को क्वालिफाई करता है। जैसे कि एग्जाम्पल से यह ज्ञात होता है, क्या, सी राइट्स वेरी केयरफुली, सी राइट्स वेरी केयरफुली। अब देखिए यहां केयरफुली दिया हुआ है और इसके पहले वेरी लगा हुआ है, इसका अर्थ होता है कि वह बहुत सावधानी से लिखती है, वह बहुत सावधानी से लिखती है, क्या करती है, बहुत सावधानी से लिखती है, यानी ये अपने आप को भी क्वालिफाई करता है। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल में यू रन वेरी फास्ट। अब देखिए फास्ट भी है रन भी है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फास्ट एक ऐसा शब्द है जो एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, दोनों है, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। लेकिन यहां देखते हैं क्या कि फास्ट जो है, वेरी जो है फास्ट को क्वालिफाई करता है, यानी यह एडवर्ब जो है स्वयं को भी क्वालिफाई करता है, और इसके बाद वह किसी प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है। क्या करता है, वह किसी प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है, जैसा कि एग्जाम्पल से यह ज्ञात होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है क्या, द बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर हिज हेड। अब देखिए यहां एग्जैक्टली दिया हुआ है और इसके बाद जो है प्रीपोजिशन ओवर दिया हुआ है, इसका अर्थ हुआ कि पक्षी उसके सिर के ठीक ऊपर से उड़ा, ठीक ऊपर से उड़ा, यानी यह प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है। क्या करता है, यह प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है। और सेकेंड एग्जाम्पल से ही पार्क्ड द स्कूटर जस्ट एट द गेट। अब देखिए जस्ट एट द गेट, यहां पर भी यह प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करता है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एडवर्ब क्वालिफाइज कंजंक्शन अल्सो। एडवर्ब जो है कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है, और इसको स्पष्ट रूप से जानने के लिए एग्जाम्पल का सहारा हम लोग लेते हैं। और एग्जाम्पल क्या बताता है, आई डिसलाइक हर सिंपली बिकॉज सी स्मोक्स। अब देखिए यहां पर किस तरह से यह क्वालिफाई करता है, कंजंक्शन को कैसे यह क्वालिफाई करता है, स्पष्ट रूप से यहां पर दिखाया गया है, बताया गया है, सिंपली बिकॉज, सिंपली बिकॉज। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल में आई रीच्ड द स्टेशन ए लिटिल बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। इस वाक्य में भी ए लिटिल बिफोर, ये ए लिटिल बिफोर क्या करता है, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि यह कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है। और इसके बाद एडवर्ब क्वालिफाइज सेंटेंस, वाक्यों को भी यह क्वालिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट फॉर्चुनेटली द थीफ वॉज कॉट। अब देखिए फॉर्चुनेटली द थीफ वॉज कॉट, यानी सौभाग्य से चोर पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया, सौभाग्य से। अब यहां फॉर्चुनेटली क्या कर रहा है, सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल में है नेचुरली ही डीड वेल, स्वाभाविक रूप से उसने अच्छा किया, स्वाभाविक रूप से क्या किया उसने, अच्छा किया। यहां नेचुरली क्या करता है, सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। इसके साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच के और पार्ट को भी क्वालिफाई करता है, जैसा कि हमने पहले बताया था कि यह जो है नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है। जैसे सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि यह जो है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का भी काम करता है, एक एडजेक्टिव जैसे करता है, न कि एडवर्ब। कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता भी बता सकते हैं, जैसे ओनली, इवेन, एट लीस्ट। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट ओनली डॉली, डॉली इज नाउन हियर, ओनली डॉली कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी इस समस्या को केवल डॉली ही सॉल्व कर सकती है। तो ऐसे कंडीशन में डॉली को कौन, ओनली जो है क्वालिफाई कर रहा है, डॉली को ओनली क्वालिफाई कर रहा है। इसलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं, इवेन यू कम लेट, यहां तक कि तुम देर आते हो, यहां तक कि तुम देर आते हो। यहां देखिए इवेन क्या कर रहा है, यू को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है।
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और चर्चा करेंगे हम लोग काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में। और काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और ये सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं। ऐसे तो हम जनरल वे में इसको देखते हैं तो इसके बहुत प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसके तीन ही प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल एडवर्ब्स, और सेकेंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, और थर्ड रिलेटिव एडवर्ब्स। अब देखिए इन तीन एडवर्ब्स के अंतर्गत बहुत सारे एडवर्ब्स आते हैं, इसका हम लोग वन बाय वन एक्सप्लानेशन जानेंगे वो क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिंपल एडवर्ब्स के बारे में जानेंगे कि ये सिंपल एडवर्ब्स क्या होते हैं। तो सिंपल एडवर्ब्स वे एडवर्ब्स हैं जो एक शब्द या शब्द समूह की विशेषता बतलाते हैं। क्या करते हैं? एक शब्द या शब्द समूह की विशेषता बतलाते हैं, यानी ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ये क्वालिफाई करते हैं। जैसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम, फर्स्ट क्या होता है, सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत आता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ये शब्द जो है ये ऐसा वर्ड है या यह जो है फ्रेज है या शब्द समूह है जो समय का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ये शब्द आते हैं जैसे टुडे हो गया, टुमारो, ठीक है, द डे आफ्टर टुमारो, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, ईटीसी। ऐसे इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं और शब्द समूह आते हैं, इसको फ्रेज भी कहा जाता है। तब हम स्पष्ट रूप से यह जान पाते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसके बाद एडवर्ब्स ऑफ फ्रेज, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, ये वे शब्द होते हैं या शब्द समूह होते हैं, ये वे वर्ड्स होते हैं या फ्रेज होते हैं जो अपने स्थान का बोध कराते हैं, जो स्थान का बोध कराते हैं यानी प्लेस का, प्लेस को डिनोटिंग करते हैं। तो वैसे कंडीशन में हम यह कह सकते हैं कि ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हियर, देयर, हियर, देयर, एवरीवेयर, समवेयर, नोवेयर, एनीवेयर, एटीसी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में जाने जाते हैं। आगे हम ये कह सकते हैं कि एबव, बिलो, अप, डाउन, विद इन, विदाउट, ये क्या है? प्रीपोजिशन है, यानी ये प्रीपोजिशन का भी काम करते हैं। इसके बाद एडवर्ब्स ऑफ नंबर, जिसको फ्रीक्वेंसी भी कहा जा सकता है, एडवर्ब्स ऑफ नंबर जिसको फ्रीक्वेंसी भी कहा जा सकता है, वे शब्द या शब्द समूह इसके अंतर्गत आते हैं जो किसी कार्य के होने की संख्या या बारंबारता बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? संख्या या बारंबारता बतलाते हैं। जैसे वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, ऑफेन, सेक्रेसली, हार्डली, रेयरली, ये जो शब्द हैं ये जो है आपका एडवर्ब्स ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी के बारे में बतलाते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी की, जिसको रेंज भी कहा जाता है और एक्सटेंट भी कहा जाता है। वे शब्द या शब्द समूह इसके अंतर्गत आते हैं जो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की मात्रा, क्षेत्र या विस्तार बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। इसके अंतर्गत जैसे एग्जाम्पल से हम लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं, जैसे टू हो गया, वेरी हो गया, मच हो गया, क्वाइट हो गया, इनफ हो गया, कंप्लीटली हो गया, तो ये जो शब्द हैं वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के बारे में बतलाते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर, यानी वे शब्द या शब्द समूह जो किसी कार्य के होने का तरीका बताते हैं। क्या बतलाते हैं? कार्य के होने का तरीका बतलाते हैं, वे वर्ड क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जैसे सो हो गया, बैडली, केयरफुली, फ्लुएंटली, ब्यूटीफुली, फास्ट, हार्ड,
ETC इसके अंतर्गत आते हैं, और इसके बाद हम लोग चलते हैं एडवर्ब्स ऑफ रीजन। एडवर्ब्स ऑफ रीजन जिसको कंसिक्वेंटली, देयरफोर, हेंस इत्यादि से संबोधित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट कंसिक्वेंटली ही वाज सेंट टू लंदन। अब देखिए कंसिक्वेंटली क्या कहलाता है, रीजन के बारे में बतलाता है। और उसी प्रकार से आई देयरफोर लेफ्ट कॉलेज, अब देयरफोर क्या कहता है, ये रीजन बतलाता है। क्या बतलाता है, ये रीजन बतलाता है। इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि एडवर्ब्स ऑफ रीजन है। इसके बाद एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नोगेशन, अफर्मेशन और नोगेशन यानी इसमें यस और नो जनरली यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, यस और नो को जनरली यूज किया जाता है। श्योरली, सर्टेनली, नॉट, नॉट एट ऑल, बाय नो मीन्स, इंडीड इत्यादि शब्दों का प्रयोग करके ये एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नोगेशन दोनों की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट दे डू नॉट लाइक यू, दे डू नॉट लाइक यू। और सेकेंड एग्जाम्पल इंडीड ही इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, इंडीड ही इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरे एडवर्ब्स के बारे में हम लोग जानेंगे जिसको हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के रूप में जानते हैं। और ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स वे एडवर्ब्स होते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी आस्किंग क्वेश्चन फॉर। और इसके अंतर्गत भी ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब्स ऑफ मैनर और एडवर्ब्स ऑफ कॉज और रीजन आते हैं। लेकिन सामान्यतः इन सभी एडवर्ब्स में एग्जाम्पल के तौर पर हम जानकर या स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स मतलब मोस्टली आस्किंग क्वेश्चन टू। अब एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत व्हेन, हाउ और लॉन्ग आता है। क्या आता है, व्हेन, हाउ और लॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, व्हेन डिड ही कम। अब देखिए यहां व्हेन आता है और ये इंट्रोगेशन साबित करता है, इंट्रोगेशन एनी टाइम ऑफ एडवर्ब्स के बारे में बतलाता है एट द रेंज ऑफ द इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। उसी प्रकार से सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं वेयर डज सी लिव्स। अब ये वेयर डज सी लिव क्या करता है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस साबित करता है, शो करता है। इसी प्रकार से एडवर्ब ऑफ नंबर को हाउ ऑफेन डिड ही डिड द डॉग बार्क, क्या कहता है कि हाउ ऑफेन डिड द डॉग बार्क। अब यहां नंबर को भी साबित करता है, एडवर्ब्स ऑफ नंबर को डिनोट कौन करता है, हाउ ऑफेन। इसके बाद एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि एग्जाम्पल से स्पष्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस टीवी। यहां क्या होता है, क्वांटिटी बतलाता है, क्वांटिटी ये हाउ मच जो है क्वांटिटी को स्पष्ट करता है। और दूसरे एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं हाउ फार इज द न्यूज ट्रू, हाउ फार द न्यूज इज ट्रू। ये हाउ फार क्या करता है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी को क्वालिफाई करता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, ये भी एग्जाम्पल के अंतर्गत हम लोग स्पष्ट रूप से जानेंगे, जैसा कि हाउ डिड सी बिहेव विथ यू, हाउ डिड सी बिहेव विथ यू। अब यहां हाउ क्या करता है, मैनर के बारे में बतलाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में बतलाता है। उसी प्रकार से एडवर्ब ऑफ कॉज या रीजन, एडवर्ब ऑफ कॉज या रीजन, इसके अंतर्गत वाई और देयरफोर आता है। क्या आता है, इसके अंतर्गत वाई और देयरफोर आता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट वाई आर यू एंग्री, वाई आर यू एंग्री। अब ये एडवर्ब ऑफ कॉज बता रहा है, वाई क्या कर रहा है, एडवर्ब ऑफ कॉज बता रहा है। और सारे के सारे एग्जाम्पल जैसा कि मैंने आपको बताया ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स को सूचित करते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं आगे रिलेटिव एडवर्ब्स के बारे में। तो ये रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स के अंतर्गत हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के वे सारे रूप जानते हैं जैसे किंतु प्रश्न पूछने के बदले ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं, ये
प्रश्न पूछने के बदले दो वाक्यों को यह जोड़ने के काम करते हैं। अतः एक रिलेटिव एडवर्ब एक डबल पार्ट ऑफ स्पीच है। क्या है? एक डबल पार्ट ऑफ स्पीच है, और इसके अंतर्गत हम लोग कंजंक्शन के द्वारा वाक्यों को जोड़ते भी हैं। यानी रिलेटिव एडवर्ब किसी एक्सप्लेसिट या इम्प्लेसिट या इंटेंडेंट के संबंध के बारे में बतलाता है कि क्या संबंध होता है एक दूसरे का, और एक वाक्य का दूसरे वाक्य से, एक शब्द का दूसरे शब्द से जो है संबंध बतलाता है, जोड़ता है। इसलिए हम लोग इसको रिलेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ यूजेज के बारे में जानेंगे कि क्या यूज होता है, है ना। इट मीन्स यूजेज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एडवर्ब्स, कुछ इम्पॉर्टेंट एडवर्ब्स जिसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है, क्या किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू एंड बेरी। देखिए टू जैसे ये दिया हुआ है टी डबल ओ टू का अर्थ क्या होता है, मोर देन रिक्वायर्ड, यानी आवश्यकता से अधिक, यानी मोर देन रिक्वायर्ड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, तथा इसका प्रयोग सामान्यतः बुरे गुणों को बताने के लिए किया जाता है। क्या कहला जाता है? यह सामान्यता जो है बुरे गुणों को बताने वाले एडजेक्टिव के पहले होता है, जैसे टू अगली, टू डल, टू हॉरिबल, टू डिफिकल्ट। ये सारे जैसे अगली हो गया, डल हो गया, हॉरिबल हो गया, डिफिकल्ट हो गया, इनके पहले टू का प्रयोग जनरल सेंस में किया जाता है। किंतु कहता है कि टू यानी टी ओ पर आधारित बनावट में टी डबल ओ के बाद भाव के अनुसार अच्छे या बुरे गुणों को बताने वाले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, जैसे सी इज टू ब्यूटीफुल। अब देखिए ब्यूटीफुल है क्या है, सी इज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड बाई ए यंग मैन। अब देखिए यहां इसके पहले टू का प्रयोग किया गया है, लेकिन जस्ट ब्यूटीफुल के बाद टी ओ का प्रयोग किया गया है, तो अच्छे या बुरे गुण के बारे में यह स्पष्टता जाहिर करता है। इसके बाद वेरी, वेरी का अर्थ क्या होता है, इन अ ग्रेट डिग्री, यानी अत्यंत या बहुत। क्या होता है यह? अत्यंत या बहुत, इन ए ग्रेट डिग्री जो होता है, और यह अच्छे गुणों या गुणों को बताने वाले एडजेक्टिव के पहले प्रयुक्त होता है, यानी अच्छे गुणों वाले एडजेक्टिव के पहले यूज होता है। जैसे ब्यूटीफुल है, क्या हो गया इसके पहले अगर वेरी लगाते हैं तो वेरी क्या करता है, ब्यूटीफुल के बारे में बतलाता है। जब भी होता है तो अच्छे गुणों को क्वालिफाई करने के लिए इन जो है एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं टू मच और मच टू। अब देखिए टू मच का प्रयोग कहाँ होता है और मच टू का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए सामान्यतः जो है टू मच का प्रयोग कब होता है, मच प्लस एडजेक्टिव, यानी अपने बाद नाउन हमेशा लेता है। क्या लेता है यह? अपने बाद हमेशा नाउन लेता है, जैसे टू मच पेन। क्या होता है यह? टू मच पेन। और सेकेंड एग्जाम्पल में टू मच ट्रबल। और उसी तरह से हम लोग मच टू के बारे में जानते हैं, मच टू में क्या होता है कि अपने बाद हमेशा वह एडजेक्टिव लेता है। टू मच क्या लेता है, नाउन लेता है, और मच टू क्या लेता है, एडजेक्टिव लेता है। जैसे एग्जाम्पल के अंतर्गत मच टू पेनफुल। अब देखिए वहां पर पेन और यहां पर पेनफुल, दोनों में अंतर हो गया, यहां ये एक एडजेक्टिव हो गया और वहां क्या हो गया, यह नाउन हो गया। इस प्रकार से दोनों में भेद किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं ओनली टू और नॉन टू। तो ओनली टू का अर्थ होता है वेरी। क्या होता है? ओनली टू का अर्थ होता है वेरी, और यह प्लीजेंट या अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के पहले प्रयुक्त होता है। क्या होता है यह? प्लीजेंट या अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के पहले प्रयुक्त किया जाता है, इसका प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट ओनली टू हैप्पी, ओनली टू हैप्पी, इसका मतलब हो गया वेरी हैप्पी। लेकिन नॉन टू का प्रयोग नॉट वेरी, या यह भी कहा जा सकता है कि प्लीजेंट या अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के पहले प्रयुक्त होता है, जैसे नॉन
टू गुड यानी नॉट वेरी गुड, नॉन टू गुड यानी नॉट वेरी गुड। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि हम लोग ओनली टू और नॉन टू का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद वेरी मच और वेरी मच। अब देखिए वेरी का प्रयोग कहां करते हैं, मच का प्रयोग कहां करते हैं और वेरी मच का प्रयोग कहां करते हैं। तो देखिए वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले होता है, यद्यपि मच का कंपरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले यूज होता है। अब देखिए वेरी या मच का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है, किंतु बनावट के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। इस तरह से हम लोग डिग्री ऑफ कंपेरिजन में वेरी मच का प्रयोग करते हैं और वेरी मच का भी प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग फेयरली और रेदर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं इसके बारे में जानेंगे। फेयरली या रेदर का अर्थ होता है मॉडरेटली यानी सामान्य मात्रा में। इसका प्रयोग हम लोग फेयरली का प्रयोग सामान्यतः अच्छे गुणों के लिए करते हैं और रेदरली का प्रयोग हम लोग बुरे गुणों के लिए करते हैं। जैसे फेयरली क्लेवर और रेदरली स्टूपिड, फेयरली क्लेवर और रेदरली स्टूपिड। और इसके बाद हम लोग लिटिल और ए लिटिल के बारे में जानेंगे कि कहाँ पर ए लिटिल और लिटिल का प्रयोग किया जाता है। लिटिल का प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंस में यानी नौ के बराबर यानी नगण्य जिसके अर्थ में किया जाता है, उसी प्रकार से ए लिटिल का प्रयोग अफर्मेटिव सेंस में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट आई एम लिटिल सॉरी और सेकेंड एग्जाम्पल आई एम ए लिटिल सॉरी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कोल्डली और कुली, कहाँ कोल्डली और कुली का प्रयोग किया जाता है। तो कोल्डली का प्रयोग हमेशा निगेटिव यानी बैड सेंस में किया जाता है ना, इसका अर्थ इन एन अनफ्रेंडली वे होता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट दे रिसीव्ड अस कोल्डली। और कुली का प्रयोग अफर्मेटिव यानी गुड सेंस में किया जाता है, इसका अर्थ होता है काल्मली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सीता बिहेव कूली इवन इन डेंजरस सिचुएशन। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं हॉटली और वार्मली। देखिए हॉटली का प्रयोग जो है हमेशा निगेटिव सेंस में होता है यानी बैड सेंस में होता है, और वार्मली का प्रयोग हमेशा अफर्मेटिव सेंस में होता है। जैसा कि एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा ही डिनाइड ऑल द चार्जेस हॉटली। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में मोहन वेलकम्ड अस वार्मली। अब इसके बाद मोस्टली और मोस्ट का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए मोस्ट का अर्थ जो है टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट और चेंज होता है, ये डिग्री ऑफ कंपेरिजन के अंतर्गत यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में द बुक आई लाइक मोस्ट इज द रामायणा। और उसके बाद मोस्टली का प्रयोग हम लोग चीफली जनरली फॉर द मोस्ट पार्ट के रूप में करते हैं। इसको एग्जाम्पल से हम लोग स्पष्ट करते हैं दे आर मोस्टली एबसेंट। और इसके बाद लास्ट में हम लोग वेरी और क्वाइट के बारे में जानते हैं कि कहाँ पर वेरी का प्रयोग करते हैं और क्वाइट का प्रयोग कहाँ करते हैं। वेरी का अर्थ इन अ ग्रेट डिग्री होता है यानी जिसको हम अत्यंत कह सकते हैं बहुत कह सकते हैं, इसका प्रयोग हमेशा पॉजिटिव डिग्री के पहले होता है। और क्वाइट का प्रयोग कंप्लीटली और परफेक्टली के अर्थ में किया जाता है, और पूर्णता यह भाव देने वाले एडजेक्टिव के पहले यूज होते हैं। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे, बहुत सारे उपयोग बाकी रह गए हैं लेकिन इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानते हैं। थैंक यू वेरी मच।